फ्रेंड्स, ये होंडा सिटी आईवी टेक है, पेट्रोल ऑटोमेटिक। इसमें क्या हो रहा है, इसका हॉर्न नहीं बज रहा है। ये हॉर्न इसका नया चेंज किया था कुछ एक दो महीने पहले, तो अभी ये हॉर्न ख़राब हो गया। इसका क्या मालूम, चेक करना पड़ेगा। तो हॉर्न बजा रहा है नहीं बज रहा है, अभी देखते हैं। चाबी ऑन किया, चाबी ऑन करके ये प्रेस कर रहे हैं, हॉर्न इसका नहीं बज रहा है, हॉर्न इसका नहीं बज रहा है। तो आगे देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसका फ्यूज़ चेक करेंगे, और इसका हॉर्न का फ्यूज़ आगे आता है, तो इसका बोनट खोलते हैं पहले। बोनट खोलते चेक करेंगे। तो बोनट खोला इसका, तो यहाँ पर इसका फ्यूज़ बॉक्स आता है, ये फ्यूज़ बॉक्स है, इसके अंदर फ्यूज़ आता है। वो फ्यूज़ चेक करेंगे इसका, फ्यूज़ बॉक्स निकाला, लेकिन इसमें लिखा नहीं रहता है कि कौन सा फ्यूज़ कहाँ पर लगा है, तो इसके लिए सारा फ्यूज़ चेक करना पड़ेगा। इसका इसमें लिखा नहीं रहता, तो टेस्टिंग लाइट से इसका सबसे पहले सारा फ्यूज़ चेक करेंगे। तो इसका सारे फ्यूज़ चेक करेंगे। तो एक वायर अर्थिंग में लगा दिया है, तो इसमें लगा के देख सकते हैं। ये ऐसे फ्यूज़ इसका चेक करते हैं, तो ये सारे फ्यूज़ ठीक है। और ये भी हो रहा है, ये भी जल रहा है, ये भी जल रहा है। तो एक एक करके इसके सारे फ्यूज़ चेक करेंगे। देख सकते हैं इसके इधर वाले फ्यूज़ में सप्लाई नहीं आ रहा है, इधर वाले फ्यूज़ में आ रहा है। तो ये वाला फ्यूज़ ख़राब है, ये फ्यूज़ निकालेंगे, बाकी फ्यूज़ भी चेक कर देते हैं। बाकी सारे फ्यूज़ ठीक है। तो एक फ्यूज़ इसका ख़राब है, फ्यूज़ निकाल के दिखाते हैं आपको। ये फ्यूज़ निकाल दिया, और तो देख सकते हैं ये जो फ्यूज़ निकाला है इसमें से, ये इसमें जल गया था, ये फ्यूज़ टूट करके इसका ये दो टुकड़े में हाल हो गया इसका फ्यूज़ में। तो इसमें दूसरा फ्यूज़ लगा के चेक करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये दूसरा फ्यूज़ लगा देते हैं इसमें चेक करने के लिए। तो ये फ्यूज़ लगा दिया इसमें। तो ऑन का फ्यूज़ आप देख सकते हैं कितने नंबर पर आता है, 1 2 3 4 5 नंबर पर बीच में से आता है। इधर से भी 5 नंबर पे, नहीं इधर से 6 नंबर पे, इधर से 5 नंबर पे। तो ये इसका हॉर्न का फ्यूज़ है। तो अभी हॉर्न बजा के चेक करेंगे। तो अभी हॉर्न बजा के इसका चेक करते हैं, स्विच ऑन है। तो अभी देख सकते हैं ऑन चालू हो गया। तो इसका फ्यूज़ का प्रॉब्लम था, फ्यूज़ चेंज कर दिया, तो अभी हॉर्न बजने लग गया। तो अगर आपका भी हॉर्न में कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है, तो सबसे पहले आप इसका फ्यूज़ चेक कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर फ्यूज़ इसका ख़राब हो जाता है। तो फ्यूज़ चेंज करने से वो हॉर्न चालू हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।